एडवांस योग भाई पारसमल दुग्गड़ यूट्यूब चैनल पर आप सबका पुनः आज हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आइए आज कमर दर्द को अलविदा कहते हैं, गुड बाय बैक पेन। कमर दर्द पूरी दुनिया में 10 में से 8 आदमी कमर दर्द का दर्द एक बार अपने जीवन में अनुभव करते हैं। कभी रात के समय बहुत अधिक दर्द होता है, कभी चलने में, कभी बैठने में, इसके अनेक रूप है। कई रोगियों से मिलने के बाद मुझे ये अनुभव हुआ, कोई रोगी ये बोलता है मैंने बहुत श्रम किया इसलिए कमर दर्द हो गया, कोई कहता वृद्धावस्था में कमर दर्द हो गया, कोई बोलता जवानी में हमने बहुत ज्यादा वर्क किया था, कोई कहता है मैंने बाल्टी गलत ढंग से उठाई उससे मेरा बैक पेन हो गया, कोई कहता मेरे पिता को था इसलिए मुझे हो गया, हेरिडिटी है। इस तरह कई तरह की बातें हमें सुनने को मिलती है। आइए हम आज ऐसे प्रयोग करते हैं जिससे बैक पेन से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। अधिकतर महिलाओं को बैक पेन होता है। आइए सबसे पहले हम करते हैं उष्ट्रासन। पंजों के बल एड़ियों पर बैठे, इसके दो तरीके हैं, या तो दोनों हथेलियों को एड़ी पर स्थापित करें और बॉडी को ऊपर उठाएं ऊंट की तरह, इससे बैक पेन में अच्छी राहत मिलती है। इस तरह यथाशक्ति इसमें रुकने का प्रयास करें। दूसरा तरीका है, इस तरह ऊपर उठिए, राइट हाथ को पीछे ले जाइए, फिर लेफ्ट को पीछे ले जाइए और इस तरह यथाशक्ति रुकने का प्रयास करें। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट इसमें रुका जा सकता है अपनी सुविधा अनुसार। फिर धीरे धीरे ऊपर आए, या फिर कोई ऐसे नहीं कर सकते हैं तो ऐसे हाथों को बांध के भी पीछे जा सकते हैं या इस तरह भी पीछे जा सकते हैं। अब आपको मैं और कई आसन करके बता रहा हूं जिससे आप कमर दर्द में अच्छी रिलीफ पा सकते हैं। तो हम सबसे पहले करेंगे, खड़े होकर करेंगे आसन। अब हम खड़े रहकर बैक पेन के लिए आसन कर रहे हैं। राइट हाथ गर्दन में इस तरह लगाएं और लेफ्ट साइड झुकी, लेफ्ट हाथ घुटने तक जाएं, धीरे धीरे ऊपर, अब लेफ्ट हैंड गर्दन पर, धीरे धीरे नीचे जाएं, धीरे धीरे ऊपर, एक बार और, धीरे धीरे ऊपर, इस तरह कर सकते हैं। इसमें यथाशक्ति रुकने का प्रयास करना चाहिए। दोनों पैर मिले हुए, दोनों हाथ सातल से सटे हुए, श्वास भरते हुए राइट हैंड को ऊपर लीजिए और कमर को लेफ्ट साइड झुकाइए, लेफ्ट हैंड घुटने तक ले जाने का प्रयास, यथाशक्ति रुकने का प्रयास, धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इसी तरह लेफ्ट हैंड से करें, एक श्वास भरते हुए, दो श्वास छोड़ते हुए राइट साइड झुकिए, तीन श्वास भरते हुए ऊपर, चार श्वास छोड़ते हुए नीचे। अभी हमने खड़े रहकर दो आसन किए थे, उनको कम से कम 5 बार रिपीट करना चाहिए। अब मैं कुछ एक्यूप्रेशर के पॉइंट बता रहा हूं जिससे बैक पेन में आराम से रिलीफ मिल सकती है। देखिए, जो ये तर्जनी अंगुली इंडेक्स फिंगर के एकदम एंड में इस तरह प्रेशर दीजिए आप, इससे प्रेशर देने से बैक में अच्छी राहत मिलती है। इस तरह आपको साफ दिखाई दे रहा होगा, अंगूठे से इस तरह प्रेशर देना है, रुकना है, फिर देना है, फिर रुकना है, इस तरह राइट हैंड में दोनों हाथों में बारी बारी से दीजिए। इस तरह इससे पेन में आराम मिल, इस तरह आप लगातार दबाव दीजिए, इससे आपको पेन में अच्छी राहत मिलेगी। इसके अलावा एक ऐसी पेंसिल या पेन लीजिए प्लेन और रिंग फिंगर के जो ऊपर वाला पोरवा है फर्स्ट, और जो बीच वाला पोरवा है, बीच वाला पोरवा और फर्स्ट वाले पोरवे के बीच का भाग है, उस पर ऐसे इस पेन से ऐसे दबा के थोड़ा रब करिए तो यहाँ पेन होगा तो बैक पेन में इससे अच्छी राहत मिलती है। फिर राइट हैंड पर भी कर दीजिए, दोनों हाथों पर बारी बारी से करने से बैक पेन में राहत मिलती है। इसके बाद पैरों में भी पॉइंट है, जो अंगूठे के साइड में पूरी बैक आई हुई है, इस तरह यहाँ प्रेशर दे सकते हैं, या देखिए इस तरह आप पैर को रखिए, ये मेरा राइट पैर है, और इस तरह अंगूठे से वॉकिंग करते हुए हम ये प्रेशर दे सकते हैं जिससे बैक पेन में लाभ मिलता है। इस तरह देखिए आप,
तो ये कुछ मैंने एक्यूप्रेशर के पॉइंट बताए। अब मैं आपको बता रहा हूं लेट कर ऐसे आसन किए जाते हैं पीठ के बल, जिससे कमर दर्द धीरे धीरे एकदम अच्छा हो जाता है। पीठ के बल लेट जाएं। लेफ्ट पैर के अंगूठे और अंगुली के बीच में राइट पैर की एड़ी लगाएं और दोनों हाथ कंधों के समानांतर रख दें। श्वास भरते हुए लेफ्ट साइड दोनों पैरों को जाने दें, लेफ्ट साइड करवट लें और राइट साइड गर्दन, नेक अपोजिट साइड। यथाशक्ति रुकने का प्रयास करें, फिर श्वास छोड़ते हुए ऊपर आए, फिर करवट राइट साइड, गर्दन लेफ्ट साइड। धीरे धीरे ऊपर, फिर दोनों पैरों से बारी बारी से इसको हम रिपीट कर सकते हैं। इसकी दूसरी एक्सरसाइज, दोनों पैरों को आप फोल्ड करिए घुटनों से और एड़ी नितंब से लगाने का प्रयास करें। यह बैक पेन के लिए बहुत अच्छा आसन है। दोनों पैरों को लेफ्ट साइड ले जाएं, पैर के ऊपर पैर, नेक अपोजिट साइड। धीरे धीरे ऊपर, फिर दोनों पैर राइट साइड, करवट राइट साइड, गर्दन अपोजिट साइड। ये भी आप कम से कम 5 से 10 बार रिपीट कर सकते हैं। इसके बाद पैरों में फासला 1.5 फीट का, लेफ्ट पैर को लेफ्ट साइड लेटाएं और राइट पैर का घुटना लेफ्ट पातल से लगे और गर्दन राइट साइड। इसी क्रिया को दूसरी साइड दोहराएं। एक वापिस लेफ्ट साइड, राइट साइड, धीरे धीरे ऊपर। ये भी आप 5 से 10 बार रिपीट कर सकते हैं। इसके बाद मैं आगे वाला प्रयोग बता रहा हूं। दोनों पैर सीधे, दोनों हाथ शरीर के समानांतर, अर्ध पवन मुक्तासन करेंगे। राइट पैर को घुटने से फोल्ड करें, दोनों हाथों से बांधें, घुटना सीने से लगाने का प्रयास करें। अब लेफ्ट हाथ से राइट घुटने को पकड़ते हुए लेफ्ट साइड करवट लें और राइट साइड गर्दन इस तरह ले जाएं। धीरे धीरे ऊपर। अब यही क्रिया दूसरे पैर से करें। लेफ्ट पैर को फोल्ड करें घुटने से, हाथों से बांधें, घुटना सीने से लगाएं, राइट हाथ से घुटना पकड़ते हुए राइट साइड करवट लीजिए और गर्दन अपोजिट साइड, लेफ्ट साइड। धीरे धीरे ऊपर। ये भी 5 से 10 बार रिपीट कर सकते हैं। अब इसके आगे की एक्सरसाइज बता रहा हूं, जो बैक पेन में, कमर दर्द में इससे अच्छा लाभ मिलता है। दोनों हाथ कंधों के समानांतर, राइट पैर को 90 डिग्री उठाएं और लेफ्ट साइड टर्न लेते हुए लेफ्ट साइड ले जाएं और पैर को लेफ्ट हाथ की उंगलियों से टच करने का प्रयास, गर्दन राइट साइड। धीरे धीरे ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब यही क्रिया लेफ्ट साइड दोहराएंगे, राइट साइड दोहराएंगे। लेफ्ट पैर को श्वास भरते हुए 90 डिग्री, श्वास छोड़ते हुए राइट हाथ के उंगलियों से टच करें, गर्दन लेफ्ट साइड। धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। फिर रिलैक्स, पैरों में 1 फीट का फासला, राइट पैर राइट साइड लेटा हुआ, लेफ्ट पैर लेफ्ट साइड, दोनों हथेलियां छत की हो, आंखें बंद, श्वास मंद और शांत, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें, रिलैक्स।
इससे बीच में हम कायोत्सव कर सकते हैं जिससे बॉडी बैलेंसिंग हो जाती है। अभी जो मेरा पैर वाला प्रयोग बताया कम से कम आप 5 बार रिपीट करें। अब हम पवन मुक्तासन करेंगे दोनों पैरों से, दोनों पैरों को घुटनों से फोल्ड करें, एड़ी एकदम से लगाएं और दोनों पैरों को उठाएं, हाथों से बांधें, सांस भरते हुए सांस छोड़ते हुए दोनों घुटने सीने से लगाने का प्रयास और यथाशक्ति रुकने का प्रयास। धीरे धीरे हाथों को खोल दें और पैरों को फैला दें। अब इसी में हम झूला झूल सकते हैं रोलर की तरह। पुनः दोनों घुटनों को फोल्ड करें, हाथों से बांधें और सीने से लगाने का प्रयास। अब इसको हम थोड़े उठते हुए रोलर कर सकते हैं, झूला झूल सकते हैं जिससे रीढ़ की हड्डी की अच्छी मालिश हो जाती है। इस तरह धीरे धीरे हाथों को खोलें और पैरों को फैला दें और लेफ्ट पैर सीधा, राइट पैर को फोल्ड करें, लेफ्ट के घुटने के ऊपर थाई के भाग पर रखें, राइट पैर को लेफ्ट हाथ से पकड़ें, राइट पैर को लेफ्ट साइड जाने दें, गर्दन अपोजिट साइड, धीरे धीरे ऊपर। यही क्रिया दूसरे पैर से दोहराएं, लेफ्ट को फोल्ड करें, राइट की थाई पर रखें, राइट हाथ से घुटना पकड़ें, राइट साइड करवट, लेफ्ट साइड गर्दन। धीरे धीरे ऊपर आएं और पैर को फैला दें, रिलैक्स। सब्सक्राइब करें एडवांस योग बाय पारसमल दुग्गर यूट्यूब चैनल को, जिससे आप बीमारियों से रिलेटेड अनेक वीडियो घर बैठे आपको प्राप्त हो सके और जिसको करके आप अपने स्वास्थ्य में 4 चांद लगा सके। इन वीडियो को अधिक से अधिक आगे शेयर करें।